हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर सोमानी सिरामिक्स के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टरली वाइज, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, तो इस क्वार्टर में 4% से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है और इस क्वार्टर में कंपनी ने 583 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने 34 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। तो यहाँ पर रेवेन्यू वाइज कंपनी ने ग्रोथ बताया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ 1 करोड़ का डिफरेंस है, बाकी कंपनी का वही प्रॉफिट है। एक तरह से देखें तो कांस्टेंट प्रॉफिट है कंपनी का। अब यहाँ पर रेवेन्यू अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 19% से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, राइज हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13% से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी थी, और अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो उसमें भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 5 ईयर हाई है 977.60 और करंटली 912 पे ट्रेड कर रहा है। अभी 5 ईयर हाई के बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है ये। 3.94% अप है, 34.60 रुपीज़ अप है। ऑलरेडी ये 3.94% अप है और इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो ये शेयर आपको और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आप इस शेयर में ट्रेड ले सकते हो, और या फिर आप अपने इस शेयर को रडार पर रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इफ आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।